हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन, और आज हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन के सभी फॉर्मूले स्टडी करेंगे, और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आता है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ये सब्जेक्ट के नंबर ऑफ अदर टॉपिक स्टडी किए थे, तो इसके पहले के सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सिंपल लिफ्टिंग मशीन के सभी फॉर्मूले स्टडी करना है। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के सभी फॉर्मूले स्टडी करते समय सबसे पहले आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सिंपल लिफ्टिंग मशीन का डेफिनेशन काफी आसान है। अ लिफ्टिंग मशीन इज अ डिवाइस बाय विच हेवी लोड्स कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट एज कंपेयर टू द लोड। इसका मतलब यह है कि लिफ्टिंग मशीन ऐसा डिवाइस होता है जो बड़े से बड़े लोड को आसानी से उठा सकता है कम से कम मेहनत करके। तो यहां पे दो वर्ड सामने आ रहे हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है लोड, और दूसरा वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है एफर्ट। लोड W से शो किया जाता है तो एफर्ट P से शो किया जाता है। एफर्ट का वैल्यू हमेशा लोड के वैल्यू से कम रहना चाहिए, या उल्टा बोलो, लोड का वैल्यू एफर्ट के वैल्यू से हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि P मस्ट बी लेस देन W, और इसका उल्टा बोलो, W मस्ट बी ग्रेटर देन P। तो यहां पे P और W जो है वो न्यूटन में होता है, अगर सभी वैल्यूज न्यूटन में दी है तो, और अगर सभी वैल्यूज किलो न्यूटन में दी है तो ये W और P किलो न्यूटन में रहेगा। अभी हमने जो आपको डेफिनेशन बताए थे वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन का था। सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे कोई कुआ है, कुएं में से अगर हमें पानी निकालना है तो पानी निकालने के लिए यहां पे दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है कि आप बकेट को रस्सी बांध के बकेट आप कुएं में डाल दीजिए और आप डायरेक्टली ऐसा पुल करके पानी निकालिए, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि वो जो बकेट का जो रस्सी है वो पुल्ली के ऊपर से होते हुए आप कुएं में डालिए, और फिर आप जब बकेट को जब आप पुल करेंगे तो वो जो रस्सी है वो पुल्ली के ऊपर से होते हुए आ रहा है, और फिर वो आप रस्सी को पुल करेंगे तो आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो जो हमने पुल्ली लगाया है वो पुल्ली को कहते हैं सिंपल व्हील एंड एक्सेल। इट मींस वो भी एक टाइप का सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, वो भी एक मैकेनिज्म है, वो भी एक मशीन है। तो वो जो मशीन लगाया है वो मशीन का यूज करके, इट मींस वो जो सिंपल व्हील एंड एक्सेल जो लगाया है, वो जो पुल्ली लगाया है उसका यूज करके जब आप रस्सी से जब आप पुल करेंगे तो आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब आप डायरेक्टली पुल करेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर आप पुल्ली का यूज करके अगर आप इसको पुल करेंगे तो आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। अगर आप सिंपल लिफ्टिंग मशीन का यूज करेंगे तो आपको एफर्ट कम लगाना पड़ता है, और अगर आप डायरेक्टली ऐसा पुल करेंगे तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। तो वही हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के डेफिनेशन में बताया है कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन ऐसा डिवाइस होता है जो बड़े से बड़े लोड को आसानी से उठा सकता है कम से कम मेहनत करके। एफर्ट माने मेहनत, और लोड जो वेट आप उठा रहे उसी को कहते हैं लोड। और इसी तरह के नंबर ऑफ सिंपल मशीन को अगर आप कंबाइन करके एक सिंगल मशीन अगर आप बनाएंगे तो ऐसे सिंगल मशीन को कहते हैं कंपाउंड मशीन। तो सेकंड टाइप का मशीन आपके सामने आ रहा है कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन क्या होता है? कंपाउंड मशीन नंबर ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन का यूज करके बनाया जाता है, इसको कहते हैं कंपाउंड मशीन। और इसमें भी नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, इट मींस इसमें नंबर ऑफ मशीन होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, और इसका यूज करके आप बड़े से बड़े लोड को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेन, क्रेन का यूज करके जब बड़े से बड़े कंटेनर को उठाया जाता है तो वो जो क्रेन है वो क्या है, वो एक कंपाउंड मशीन है जिसमें नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स है, नंबर ऑफ मशीन्स है, नंबर ऑफ मशीन्स को कंबाइन करके वो एक सिंगल मशीन बनी है, वो है कंपाउंड मशीन, दैट इज अ क्रेन। उसका यूज करके बड़े से बड़े कंटेनर को आप आसानी से उठा सकते हैं, बड़े से बड़े लोड को आप आसानी से उठा सकते हैं बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। तो ऐसे में हम कंपाउंड मशीन का डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। कंपाउंड मशीन इज ए डिवाइस विच में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल मशीन। और कंपाउंड मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपाउंड मशीन से बड़ा हेवी वर्क लेस एफर्ट लगा के होगा और जल्दी होगा, मतलब ज्यादा स्पीड के साथ होगा। तो फाइनली ये सब हमने बता दिए सिंपल लिफ्टिंग मशीन और कंपाउंड मशीन के बारे में, और अब हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन में सभी यूज होने वाले फार्मूले को स्टडी करते हैं। तो देखिए सभी के सभी फार्मूले आपके सामने हैं,
ये फॉर्मूलेस अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन का। तो चलिए ये सभी फॉर्मूलेस हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, और ये सभी फॉर्मूलेस आप अपने नोट पैड में जरूर लिख के रखिए ताकि एक फॉर्मूले की लिस्ट जो है वो तैयार हो जाए। और ये सभी फॉर्मूलेस में सभी का लॉन्ग फॉर्म हम आपको बताएंगे, वो भी आप नोट पैड में लिख के रखिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है वी आर का। वी आर माने वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने x लिखा है और डिनोमिनेटर में y लिखा है। ये जो x बाय y लिखा है इसमें x माने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट और y माने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, ठीक है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी भी बुक्स अवेलेबल है जिसमें इसका उल्टा दिया है। उल्टा मतलब क्या, सुन लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे बुक में तो ऐसा दिया है, तो उसके बारे में सुनिए। कुछ बुक्स में लिखा हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट को कुछ बुक्स में वाई लिया है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड को कुछ बुक्स में एक्स लिया है। तो ऐसे में ये फॉर्मूला वाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको x लिया है, इसको y लिया है, तो कुछ बुक्स में इसको y लिया है, इसको x लिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा फार्मूला ध्यान में रखो, स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो वेलोसिटी रेशियो का स्टैंडर्ड फार्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। अब आप इसको एक्स लो या इसको एक्स लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है डिस्टेंस बाय द एफर्ट वो ऊपर रहेगा और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड हमेशा नीचे रहेगा, तो ही वो वेलोसिटी रेशियो कहलाता है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट फार्मूला है एम ए का। एम ए माने मैकेनिकल एडवांटेज। ये आप लिखते जाओ, जब कभी भी हम ये इसका लॉन्ग फॉर्म बता रहे आप लिखते जाओ, आपके पास फार्मूले की लिस्ट तैयार हो जाएंगी। एम ए माने मैकेनिकल एडवांटेज। इसका फार्मूला है दैट इज लोड बाय एफर्ट। लोड को डब्ल्यू से शो किया जाता है, हमने स्टार्टिंग में कहा था, और एफर्ट को पी से शो किया जाता है। तो फार्मूला बन गया एम ए दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज डब्ल्यू बाय पी, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने आएगा इनपुट का। इनपुट का फार्मूला P इंटू एक्स और आउटपुट का फार्मूला W इंटू वाई। अब ये इनपुट और आउटपुट क्या है, इनपुट माने अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एफर्ट एंड आउटपुट माने अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द लोड। तो यहां पे P इंटू एक्स इनपुट के लिए रहेगा और W इंटू वाई आउटपुट के लिए रहेगा। और X और Y का यहां पे क्या मतलब है वो हमने यहां लिख रखा है। X माने डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट और Y माने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है इफिशियंसी का। इफिशियंसी का फार्मूला आउटपुट बाय इनपुट। इफिशियंसी माने कार्य करने की क्षमता, मतलब जो भी मशीन है उसकी कार्य करने की क्या क्षमता है, तो वो है एफिशिएंसी। तो इसका फॉर्मूला आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट हमने लिखा है W इंटू वाई और इनपुट हमने लिखा है डिनोमिनेटर में P इंटू एक्स। ये जो आउटपुट और इनपुट है यही हमने यहां लिख दिए। और यहां पे अब हमने देखो क्या किया, थोड़ा सा सॉल्व किए हैं। ये W बाय P को हमने अलग से ले लिए और Y को हमने डिनोमिनेटर में लेके गए, तो वो हो गया X बाय वाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, यहां पे कैसे देखिए, y ऊपर जाएगा तो इस तरह का आ जाएगा और p नीचे आ जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। और अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर में दिख रहा है w by p और डिनोमिनेटर में दिख रहा है x by y। तो न्यूमरेटर में जो w by p है, w by p माने ma होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहां पे न्यूमरेटर में है मैकेनिकल एडवांटेज ma डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है वेलोसिटी रेशियो vr। तो फाइनली इफिशियंसी का फॉर्मूला यहां पे बन गया ma by vr। और अगर आपको परसेंटेज इफिशियंसी फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज इफिशियंसी के लिए दैट इज ma by vr into 100। ये इफिशियंसी का सिंबल है, स्मॉल n से आपको शो करना है, तो ये इफिशियंसी का सिंबल। तो ये फॉर्मूलेज एक साइड के हो गए। अब चलो ये फॉर्मूलेज की तरफ आते हैं। यहां पे नंबर ऑफ फॉर्मूलेज लिखे हैं। सबसे पहला यहां पे दिख रहा है PI। PI माने क्या, PI माने आइडियल एफर्ट। एक टर्म आता है एक्चुअल मशीन, दूसरा टर्म आता है आइडियल मशीन। एक्चुअल मशीन और आइडियल मशीन क्या है वो सुनिए। एक्चुअल मशीन वो होता है जिसका इफिशियंसी हमेशा 100% से कम रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होते रहता है, क्योंकि मशीन में डिफरेंट डिफरेंट रोटेटिंग पार्ट होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसके वजह से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन होने की वजह से इफिशियंसी कम हो जाती है। तो 100% से अगर नीचे इफिशियंसी है तो वो है एक्चुअल मशीन। और दूसरा है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन माने क्या, आइडियल मशीन वो मशीन होता है जिसमें इफिशियंसी 100% होता है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, जिसमें फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है, जिसमें एम ए और वी आर दोनों सेम होते हैं, ऐसे मशीन को आइडियल मशीन कहते हैं, ठीक है, जिसमें इफिशियंसी 100% हो। और यही नेक्स्ट टर्म हमारे पास है आइडियल मशीन के साथ में यहां पे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हमने एक्चुअल मशीन यहां पे स्टडी कर लिए, हमने आइडियल मशीन स्टडी कर लिए, और आइडियल मशीन में ही दो पार्ट्स आते हैं, यहां पे दो टर्म्स आते हैं, एक आता है पी आई और दूसरा आता है डब्ल्यू आई।
पीआई मतलब आइडियल एफर्ट और WI मतलब आइडियल लोड। तो PI का फॉर्मूला है W बाय VR, VR माने वेलोसिटी रेशियो और WI का फॉर्मूला है P इंटू VR। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, PI माने क्या आइडियल एफर्ट और यहां पे WI माने क्या आइडियल लोड, I लगा है, I स्टैंड्स फॉर आइडियल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन का यहां पे इक्वेशन है P इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और यहां पे M माने क्या M एक स्लोप का वैल्यू होता है और C माने एक कांस्टेंट होता है जो कि Y इंटरसेप्ट होता है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम आपको इसके बारे में ज्यादा बताएंगे कि M और C कैसे फाइंड आउट करना। M माने स्लोप और C माने एक कांस्टेंट होता है जो कि Y इंटरसेप्ट पे आता है। तो फाइनली ये है लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। और अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम MA। मैक्सिमम MA मतलब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, MA मतलब यहां पे हमने ऑलरेडी बता दिए थे मैकेनिकल एडवांटेज, बस उसके सामने M max लग गया, इट मींस मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका फॉर्मूला है 1 बाय M। M माने वही जो इसके पहले हमने यहां बताए थे, M माने स्लोप। स्लोप का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला मैक्सिमम इफिशियंसी। ये जो फॉर्मूला था ये इफिशियंसी का था, ये नॉर्मल इफिशियंसी है लेकिन ये है मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 बाय एम इंटू वी आर, ये एम माने वही जो हमने यहां पढ़े थे स्लोप के बारे में और वी आर माने वेलोसिटी रेशियो और परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय एम इंटू वी आर इंटू 100, तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम इफिशियंसी का। और अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है पी एफ और डब्ल्यू एफ। एफ माने क्या, एफ माने फ्रिक्शन, तो पी एफ माने क्या, पी एफ माने एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन और डब्ल्यू एफ माने लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। जब कभी भी मशीन काम करता है तो मशीन में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं वो सब काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूविंग पार्ट जो काम करते हैं उसमें फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के समय जो भी लॉस होता है, एफर्ट में बोलो या लोड में बोलो, तो उसी के बारे में है पी एफ और डब्ल्यू एफ। और पी एफ का फॉर्मूला पी एफ दैट इज पी माइनस पी आई और डब्ल्यू एफ का फॉर्मूला डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। और यहां पे पी आई माने क्या है ये देखिए, ये जो हमने स्टडी किए थे पी आई माने आइडियल एफर्ट और यहां पे डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू में डब्ल्यू आई क्या है, तो ये हमने स्टडी किए थे डब्ल्यू आई माने आइडियल लोड। तो फाइनली ये हमने फॉर्मूले स्टडी कर लिए और इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक है रिवर्सिबल मशीन का और एक है इररिवर्सिबल मशीन का। तो चलो देखते हैं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल क्या है। तो बहुत ही आसान है, देखिए रिवर्सिबल मशीन क्या होता है, रिवर्सिबल मशीन वो होता है जिसका इफिशियंसी 50% से ज्यादा हो। अगर कोई मशीन का इफिशियंसी 50% से ज्यादा है तो समझ जाना है कि वो एक रिवर्सिबल मशीन है, और अगर कोई मशीन का इफिशियंसी 50% से कम हो तो वो मशीन इररिवर्सिबल होता है। जब हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा बेटरली समझ में आएगा कि रिवर्सिबल मशीन और इररिवर्सिबल मशीन को कैसे पहचानना। तो फाइनली ये थे वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के सभी फॉर्मूलेस जो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूलेस अगर आपको पता है तो आप कोई भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन का प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी फॉर्मूलेस आपने नोट पैड में लिख के रखे होंगे, और अगर कोई फॉर्मूला यहां पे छूट गया है तो वो हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हो सकता है एक दो ऐसे फॉर्मूले हो सकते हैं जो छूट गए थे यहां बताना, तो वो हम वहां बताएंगे, तो आपको वहां लिख के रखना है। लेकिन एग्जाम में जब सिंपल लिफ्टिंग मशीन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एक वो टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें मशीन का नाम नहीं दिया रहता है और दूसरा वो टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें मशीन का नाम दिया रहता है, जैसे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल मशीन, अ सिंपल स्क्रू जैक मशीन, तो यहां पे मशीन का नाम दिया है। और एक टाइप का प्रॉब्लम वो होता है जिसमें मशीन का नाम नहीं दिया रहता है, जस्ट सिंपली लिखा रहता है अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो, इतना ऐसा गिवन डाटा आपको लिख के सॉल्व करना होता है, तो वहां पे मशीन का नाम नहीं लिखा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम में मशीन का नाम दिया होता है, तो वो मशीन के टाइप के अकॉर्डिंग वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला मशीन के टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, कितने टाइप के मशीन्स होते हैं तो अभी हम आपको सिर्फ लिस्ट बताते हैं, बाद में आगे चल के हम ये स्पेशल ये सभी टाइप्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वहां पे आपको सभी फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट जो हमें मशीन स्टडी करना है आगे चल के उनके सिर्फ नाम बता देते हैं। सबसे पहला नाम है सिंपल व्हील एंड एक्सेल, देन दूसरा है डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील, देन तीसरा है अ सिंपल स्क्रू जैक, देन नेक्स्ट आता है विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, नेक्स्ट आता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, नेक्स्ट आता है
दैट इज सिंगल गियर क्रैब और सिंगल परचेस विंच क्रैब, तो ये होता है। एक और आता है इसके बाद, दैट इज डबल गियर क्रैब और डबल परचेस विंच क्रैब, ये भी होता है। और इसमें और आगे अगर जाएंगे तो इसमें गियर पुल्ली ब्लॉक नाम का एक मशीन आता है, और आगे चल के पुल्ली ब्लॉक नाम का मशीन आता है, और पुल्ली ब्लॉक में टाइप्स भी आते हैं। पहला टाइप आता है सिंगल शू पुल्ली ब्लॉक, देन नेक्स्ट आता है टू शूज पुल्ली ब्लॉक, देन नेक्स्ट आता है थ्री शूज पुल्ली ब्लॉक। तो इतने सारे मशीन्स के टाइप्स हैं, तो ये मशीन के टाइप्स में से कोई भी टाइप एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर ये मशीन के टाइप्स एग्जाम में आते हैं तो आपको इनके फार्मूलेज पता होना चाहिए, और इनके फार्मूलेज में सिर्फ एक ही फार्मूला चेंज होता है, वो क्या है, वेलोसिटी रेशियो। ये जो वेलोसिटी रेशियो है, ये वेलोसिटी रेशियो मशीन के टाइप के अकॉर्डिंग होता है। तो ये फार्मूले के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बाद में बनाएंगे, वहां पे आपको पूरे फार्मूलेज मिल जाएंगे। फिलहाल हमने ये जो फार्मूलेज बताए हैं, ये सब सिंपल लिफ्टिंग मशीन के जनरल फार्मूलेज हैं, नॉर्मल फार्मूलेज हैं, जो आप कोई भी टाइप के मशीन में यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने सभी फार्मूलेज के बारे में स्टडी कर लिए। अब इसके आने वाले वीडियोज में हमें इसके प्रॉब्लम्स कवर करना है, तो आने वाले हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हम कराएंगे उसकी आप अच्छे से तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।